Hi everyone, the topic is scaling, translation and rotation of images through OpenCV. So before moving ahead, if you're not subscribed, अभी तक नहीं करा है तो फिर कर लेना guys, ठीक है? हर दूसरे दिन या फिर एक दिन बाद एक वीडियो आती है. Alright, so let us see इसमें scaling, translation and rotation from a mathematical point of view as well as from OpenCV point of view. Okay, so सबसे पहले समझते हैं कि यार ये zooming, scaling वगैरह होती क्या है. Scaling और zooming में फर्क क्या है, और अगर कोई हमसे ये चीज पूछता है इंटरव्यू में कि what is zooming और what is scaling of an image, तो कैसे आंसर देते हैं. दिस इज अ बिट ट्रिकी क्वेश्चन. सो इसमें देखते हैं, इसमें दो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है? एक होता है ऑप्टिकल जूम, एक होता है डिजिटल जूम. डिजिटल जूम अप्लाई होता है हम पर, यानी कोडर्स पर, एंड ऑप्टिकल जूम अप्लाई होता है फोटोग्राफर्स पर, ठीक है? सो यू शुड नो विच आंसर यू शुड गिव इन एन इंटरव्यू. ऑप्टिकल जूम, ऑप्टिकल जूम क्या होता है? मूविंग द जूम लेंस सो दैट इट इंक्रीजेस द मैग्निफिकेशन ऑफ लाइट. ऑलराइट, इसका मतलब क्या हुआ कि एक जूम लेंस को जब मूव करते हैं, उससे लाइट जो आ रही होती है पिनहोल कैमरा से, उसे मैग्निफाई करना, जो कि एक फोटोग्राफर के हाथ में होता है, उसे हम ऑप्टिकल जूम बोलते हैं. नाउ वी आर कंसर्न्ड विद डिजिटल जूम, ठीक है? डिजिटल जूम क्या हुआ कि एक छोटा सा पार्ट हमने सेलेक्ट कर लिया. मान लो यहां पर इमेज का ये पार्ट दिख रहा है हमें रेड वाले पोर्शन में, ठीक है? ये वाला पार्ट हमने सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद यहां पर ये देखो डिजिटल जूम्ड इमेज, ये डिजिटल जूम्ड इमेज कितनी बड़ी आ रखी है, ठीक है? सो दिस इज नोन एज द डिजिटल जूमिंग, और हम इस कंसेप्ट पे काम करेंगे. नाउ कीपिंग इन माइंड द डिजिटल जूमिंग कंसेप्ट, विच इज सिंपली इंटरपोलेटिंग द इमेज आफ्टर इट हैज बीन एक्वायर्ड, आफ्टर इट हैज बीन एक्वायर्ड. अब देखते हैं कि स्केलिंग ऑफ इमेज होता क्या है. सो नाउ कमिंग आउट स्केलिंग, स्केलिंग रेफर्स टू द चेंजिंग ऑफ साइज. साइज कैसे चेंज होगा? विड्थ और हाइट चेंज करके, ठीक है? मेरे पास ये यहां पर एक इमेज है, इसका जो साइज है अराउंड 300, 300 है, ठीक है? इसे मैंने 500, 500 में चेंज करा है. वो कैसे चेंज करा है? यूजिंग द स्केलिंग ऑपरेशन. स्केलिंग ऑपरेशन मीन्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द पिक्सल्स इन द डिजिटल इमेजेस, ठीक है? अगर हम हाइट एंड विड्थ इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, पिक्सल भी मॉड्यूलेट होंगे. अब इसे हम देखते हैं फ्रॉम अ मोर मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू. अभी हमारे सामने दिख रहा है कि एक इमेज है छोटी सी, यहां पर एक ओरिजिनल इमेज है, ठीक है? ये ग्रे स्केल इमेज है, इसे 183% मैंने एनलार्ज करा है. तो यहां पर ये क्या हो गया, बिफोर इंटरपोलेशन. मतलब अब जब हमने हाइट और विड्थ इमेज की बढ़ा दी है, तो भाई पिक्सल्स जो हैं उनके बीच में जगह भी तो रह जाएगी. रीसैम्पलिंग एन इमेज, ये जो सेकंड स्टेप है बिफोर इंटरपोलेशन वाला, ये रीसैम्पलिंग एन इमेज वाला स्टेप है, ठीक है? एंड देन असाइनिंग देम न्यू ग्रे वैल्यूज. न्यू ग्रे वैल्यूज, ग्रे वैल्यूज नहीं समझाओ तो पिछला वाला लेक्चर देख लेना, नीचे लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में पूरे प्लेलिस्ट का, ठीक है? अब जो स्पेसेस बचे हैं वहां पर हम क्या करेंगे, न्यू ग्रे वैल्यूज असाइन करेंगे. और ग्रे वैल्यूज कैसे असाइन करेंगे, इंटरपोलेशन की हेल्प से. अभी हम देखेंगे इंटरपोलेशन क्या होता है. तो हमारे पास ये वाली इमेज बनती है, और अगर हम इसे इंटरपोलेट नहीं करते हैं, जस्ट ऐसे ही खींच के एक्सपेंड कर देते हैं, तो हमारे पास ये बनती है जो कि इंटरपोलेशन नहीं हुआ है. अब देख सकते हैं आपकी इंटरपोलेशन वाली इमेज में और नॉन इंटरपोलेशन वाली इमेज में क्या फर्क आता है. देख रहे हो ना कि कैसे क्लैरिटी इंक्रीज हो रही है. अब आगे चलते हैं, देखते हैं इंटरपोलेशन क्या चीज होती है. इंटरपोलेशन इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द वैल्यूज, वैल्यूज को निकालना फ्रॉम ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम टू डिस्क्रीट सैंपल्स. इसका मतलब हमारे पास इधर वाले पिक्सल की जो है वैल्यू हमें दी गई है, हमारे पास इधर वाले पिक्सल की वैल्यू दी गई है. अब जो बीच में स्पेस आ रहा है उसमें जो नया पिक्सल आना है उसकी क्या वैल्यू होगी, ये कैसे हम निकालेंगे. हम जानते हैं कि इमेज क्या होता है, एक फंक्शन होता है. इमेज फंक्शन होता है, उसके दो डिस्क्रीट सैंपल्स हमारे पास पड़े हुए हैं. अब उन दोनों डिस्क्रीट सैंपल्स, मान लो कि एक हमारे पास जो सैंपल है वो है x0 y0 और एक है x1 y1. अब बीच में हमें किसी पॉइंट पे x, y निकालना है, तो उसे हम कैसे करते हैं, इंटरपोलेशन से. जो यहां पर इंटरपोलेशन दिखाया गया है ये लीनियर इंटरपोलेशन है. ओपन सीवी जो है हमारे पास 5 टाइप के डिफरेंट इंटरपोलेशंस देती है. वो 5 टाइप के क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है लीनियर इंटरपोलेशन, सेकंड आ जाता है एरिया इंटरपोलेशन, थर्ड आ जाता है क्यूबिक इंटरपोलेशन. ये डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, ठीक है? इन्हें ज्यादा स्टडी करना है, आप मैथमेटिकल कंसेप्ट स्टडी कर सकते हो, बट इससे ज्यादा इंटरव्यू में पूछा नहीं जाता है. 3 आ गए, लीनियर, एरिया, क्यूबिक, एंड चौथा आता है नियरेस्ट नेबर इंटरपोलेशन. नियरेस्ट नेबर इंटरपोलेशन में क्या होता है, जो पास वाले पिक्सल की वैल्यू होती है वही यहां पर आ जाती है, जो इधर पास वाले की होगी वो इधर आए, जो नियरेस्ट नेबर होता है उसकी वैल्यू वो पिक्सल ले लेता है, ठीक है? और जो लास्ट आ जाता है वो आ जाता है साइनुसॉइडल इंटरपोलेशन. ये 5 टाइप के इंटरपोलेशंस ओपनसीवी में प्रोवाइड करे जाते हैं, ठीक है? सो नाउ अभी हम देखते हैं कि कोड पर जाकर कि कैसे इसे वर्क कराते हैं, कैसे एक इमेज को रिसाइज करते हैं.
नाउ कमिंग ओवर टू द कोड, यहां पर सामने दिख रहा है हमने दोनों मॉड्यूल्स इंपोर्ट कर लिए हैं। उसके बाद हमने क्या करा, एक छोटी सी कोई इमेज ले ली, स्मॉल डॉट जेपीजी हमने एक इमेज ले ली, उसे रीड करा लिया। अभी यहां पर दोनों चीजें मुझे दिख रही हैं सीवीटोर डॉट रिसाइज से। मैंने क्या करा है, उसे 5.5 और 5.5 एक्स और वाई के अलोंग ये फैक्टर्स हैं, मतलब उसकी हाइट भी 5.5 से मल्टीप्लाई कर जाएगी और उसकी विड्थ भी 5.5 से मल्टीप्लाई कर जाएगी। ठीक है, यहां पर मैंने नन किस लिए दे दिया कि मुझे साइज नहीं स्पेसिफाई करना, कि हाँ भाई मैं पर्टिकुलर साइज नहीं देना चाहता, आप मुझे फैक्टर वाइज कर दो कि इमेज को दुगना कर दो, चौगुना कर दो। यहां पे मैंने 5.5 गुना कर रखा है इमेज को। अभी साइज देना है, चलो आपको साइज देना है तो वो भी दिखा देता हूं। यहां पर इमेज साइज्ड इज इक्वल टू cv2 डॉट रिसाइज, यही फंक्शन हमें ध्यान रखना है। सोर्स क्या है हमारा, इमेज है। डी साइज हम लोग यहां पर अपने साइज दे देंगे, हमारा साइज क्या हो जाएगा, मान लो हमें 300x300 की इमेज चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर इंटरपोलेशन भी मैंने फिक्स कर रखा है, यहां पर लीनियर इंटरपोलेशन है और यहां पर क्यूबिक इंटरपोलेशन है। ठीक है, अब आपको इन दोनों में डिफरेंस दिखाता हूं कि लीनियर और क्यूबिक की क्वालिटीज में कैसे डिफर हुआ है। अभी मैंने यहां पर इसे सेव करा, सो पाइथन 3 एंड स्क्रिप्ट का नाम है स्केलिंग। सो हियर वी हैव रन, ओरिजिनल इमेज आपके सामने दिख रही है कितनी छोटी सी इमेज है। ठीक है, अभी ये आ गई हमारे पास लीनियर और ये आ गई क्यूबिक। आप दोनों में फर्क देखो एक बार, जो लीनियर इमेज है वो भी बड़ी है, क्यूबिक भी बड़ी है, लेकिन जो लीनियर इमेज है उसमें कंट्रास्ट वैल्यूज कम आ रही है, वैल्यूज बीच की जो है वो थोड़ी सी, मतलब ऐसा लग रहा है कि दबी दबी सी वैल्यूज है। लेकिन जो क्यूबिक वाला है, शायद इसमें आपको ना पता चल रहा हो, लेकिन जब आप इसे अपने लैपटॉप में अपने पीसी में करोगे तब आपको साफ साफ पता चल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरपोलेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ट्रांसलेशन। सो इमेज ट्रांसलेशन क्या हुआ, शिफ्टिंग द इमेज, ये एक इमेज है, शिफ्टिंग द इमेज इन द कोऑर्डिनेट स्पेस एक्स कॉमा वाई स्पेस में, ऐसे ऐसे शिफ्ट करना है कि मैंने एक्स में कुछ ऐड कर दिया तो यहां पर आ गया और वाई में कुछ ऐड कर दिया तो हल्का सा ये ऊपर उठ गया। ठीक है, एडिंग सर्टेन वैल्यूज टू द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन इमेज, दिस इज नोन एज इमेज ट्रांसलेशन। सिंपल है, अब ध्यान रखना इमेज ट्रांसलेशन के पीछे की मैथ्स क्या है। ट्रांसलेशन मैट्रिक्स और अप्लाई मैट्रिक्स टू द इमेज, दो स्टेप्स होते हैं बस। पहली ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, अप्लाई एम टू द इमेज। रोटेशन में भी दो स्टेप्स होंगे, पहली रोटेशन मैट्रिक्स एंड अप्लाई मैट्रिक्स टू द इमेज, लेकिन थोड़ा ट्रिकी होता है यहां पर। ये क्या है, एक मैट्रिक्स है 2 rows 3 columns की, जो इसमें ये चार वैल्यूज हैं ये सेम रहती हैं हमेशा। जो टी एक्स है, टी एक्स इज ट्रांसलेशन अलॉन्ग एक्स एक्सेस एंड टी वाई इज ट्रांसलेशन अलॉन्ग वाई एक्सेस। ट्रांसलेशन मतलब उस इमेज को मूव करना, ये एक हमें मैट्रिक्स बनानी है और उस इमेज पर अप्लाई कर देनी है। अप्लाई कैसे करेंगे हम, वाप अफीन फंक्शन से। वाप अफीन का अभी मैं यूज नहीं बताऊंगा, अगले उसमें मॉड्यूल में पूरा यूज बताऊंगा, लेकिन बस इतना समझो कि वो हम मैट्रिक्स उसकी हेल्प से अप्लाई कर रहे हैं। ये ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है, इसे आप ध्यान रखना, ये इंटरव्यू में इंटरव्यूअर लिखा के आपको देख सकता है। ठीक है, नाउ फटाफट इसके हम लोग कोड पे देख लेते हैं कि क्या कोड में इसे यूज हो रहा है। सो हियर इज अवर ट्रांसलेशन कोड, इमेज को मैंने एक को रीड कराया है, यहां पे अपनी मैट्रिक्स बना ली है। मैंने क्या बोला था, 2 rows 3 columns की मैट्रिक्स होगी 1001, और मुझे एक्स एक्सिस के अराउंड 100 मूव कराना है और वाई एक्सिस के भी अराउंड 100 मूव कराना है। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था मैट्रिक्स को अप्लाई करना है, अप्लाई किससे करना है, वार्प अफीन फंक्शन से। यहां पर देख लो क्या क्या होता है, मैंने लिखा ट्रांसलेटेड इज इक्वल टू cv2 डॉट वाप अफीन। यहां पर क्या आ गया, सोर्स। अब सोर्स मैंने क्या दे रखा है नीचे, इमेज। मैट्रिक्स क्या दे रखी है हमने, यहां पर डिफाइन कर रखी है मैट्रिक्स। और डी साइज, डी साइज ये होता है फाइनल इमेज का साइज जो हमें इमेज ट्रांसलेट करके मिल रही है। अब ट्रांसलेट करके सेम अगर हम, जैसे यहां पर एक इमेज है उसे हमने यहां पर मूव करा दिया लेकिन साइज इतना ही दे रखा है तो वो क्रॉप्ड आएगी ना, इसलिए मैंने क्या करा कि साइज में भी प्लस कर दिया कि आपको चलो पीछे का कैनवस भले ही काला हो जाए आपको दिखनी चाहिए। सो अभी मैं इसे हटाकर फटाफट से आपको इसे रन करके दिखा देता हूं। इसका नाम हमारा हो जाएगा ट्रांसलेशन डॉट पी वाई। सो ये देखो हमारे पास जो इमेज यहां पर थी वो भी यहां पर मूव होगी, दैट्स इट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसलेशन। अभी चलते हैं रोटेशन पर। सो नाउ कमिंग ओवर टू द रोटेशन, इमेज रोटेशन ध्यान से समझना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इमेज रोटेशन, इसमें स्केलिंग भी कवर हो जाएगी। ठीक है, अब इमेज रोटेशन में क्या है, ये एक ही चीज है, मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स बनानी है और अप्लाई करनी है। यहां पर ये मैट्रिक्स थोड़ी सी टेढ़ी बनती है, वही चीज है वार्प अफीन फंक्शन में, कभी भी कोई भी मैट्रिक्स लगेगी तो 2 rows 3 columns फॉर्मेट में ही लगेगी। ट्रांसलेशन के लिए 2 rows 3 columns था, रोटेशन के लिए भी 2 rows 3 columns होगा, लेकिन यहां पर क्या होता है आपके साथ
जो रोटेशन का एंगल है उसके साथ साथ ये आपको एक और जो है मतलब आपको एक पैरामीटर दे देता है, दैट इज स्केल, कि आपको कितना उसे स्केल करना है, रोटेट करना है, स्केल करना है। जब मोबाइल में आप देखते हो ना कोई भी ऐसे बार बना हुआ होता है, उस पर ऐसे क्लिक करते हो तो वो रोटेट करता है इमेज को, तो यही फंक्शन पीछे काम कर रहा होता है। ठीक है, अब समझ रहे हो कैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट काम करता है। सो अल्फा, अल्फा क्या है मेरे पास यहां पर जो है ना, अल्फा माइनस बीटा, बीटा अल्फा, और उसके बाद ये दोनों पैरामीटर्स। तो थीटा इज द एंगल विद विच इट इज रोटेटिंग, एंड स्केल जो हमारा स्केल, जिस स्केल से हमें रोटेट कराते हुए स्केल अप कराना है इमेज को। सो हियर इज द कोड फॉर रोटेशन मैट्रिक्स। सो यहां पर हमने फटाफट से इमेज को रीड कराया। हाइट और विड्थ, हमें हाइट और विड्थ जरूर चाहिए होगी, मैं बता देता हूं क्यों चाहिए होगी। हाइट और विड्थ निकालनी इमेज की, उसके बाद गेट रोटेशन मैट्रिक्स 2D। रोटेशन मैट्रिक्स मैंने बोला था वो बड़ी सी जो मैट्रिक्स थी 2x3 की, उसे याद नहीं कर सकते हम। तो हम लोग क्या है, CV2 ने बहुत सिंपल सा फंक्शन दे दिया कि रोटेशन मैट्रिक्स 2D में आप अपने पैरामीटर्स डालो, आपको सब चीजें मिल जाएंगी। यहां पर क्या मैं आपको दिखा देता हूं, मैट्रिक्स इज इक्वल टू CV2.getRotation, ओके, गेट रोटेशन मैट्रिक्स 2D। यहां पर सेंटर, तो यहां पर मैंने सेंटर क्या डाल रखा है, जहां जिस पाइवेट के अलाउंग जहां पर पिन डालकर मुझे इमेज को रोटेट कराना है। मान लो एक बोर्ड पर इमेज लगी है, मुझे पिन मार के उसके अलॉन्ग रोटेट कराना है। सो वो विड्थ कॉमा टू, हाइट कॉमा टू जनरली हम लोग देते हैं अगर ऐसे ऐसे करके इमेज को रोटेट कराना हो, वरना आप किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड भी करा सकते हैं। ठीक है, एंगल मुझे 10 डिग्री कराना है, स्केल मुझे 1 ही रखना है, मतलब मुझे स्केल अप या डाउन नहीं करनी है इमेज को। उसके बाद सिंपली मैंने बोला था कोई भी मैट्रिक्स जब बन जाती है तो उसे क्या करते हैं, वार्प एफिन से अप्लाई कर देते हैं। और फाइनल विड्थ एंड हाइट मैंने सेम इमेज की दे दी है। ठीक है, अभी इसका भी रिजल्ट एक बार देख लेते हैं फटाफट से। सो दिस इज द रिजल्ट, ये आप सामने देख रहे हो ना, 10 डिग्री से हो गया टिल्ट, दैट्स इट। सो ये हमारे रिजल्ट का फाइनल फॉर्मेट आ जाता है, जो हम लोगों ने कवर कर लिया, ट्रांसलेशन कवर कर लिया, स्केलिंग कवर कर लिया, एंड रोटेशन कवर कर लिया। अब इन द लास्ट में ये चीज बोलना चाहूंगा कि दो चीजें मत भूलना, कि वाप अफीन में 2x3 का कोई भी फंक्शन लगता है तो 2x3 का लगता है। उसके बाद जो इंटरपोलेशन मैंने पढ़ाया वो मत भूलना। उसके बाद जो रोटेशन मैट्रिक्स का फॉर्मेट होता है और जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स का फॉर्मेट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस बस ये 3-4 चीजें याद करके रखना, एंड दैट्स इट। सो फाइनली कमिंग ओवर टू द एंड ऑफ द वीडियो, अगर सब्सक्राइब ना करा हो तो कर देना, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाएंगे कि हाउ द अफीन ट्रांसफॉर्मेशन, द यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन, ये लोग वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिकल करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो को, सो गेट रेडी फॉर इट।